नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे सभी दर्शकों को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने अब 3 सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। ये 3 सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर बसे हैं, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब। बीएसएफ के पास अब इन तीनों ही राज्यों में 50 किलोमीटर के भीतर अरेस्ट और तलाशी करने का अधिकार होगा। बीएसएफ एक्ट की धारा 139 में हाल ही में किए गए संशोधन के मुताबिक पंजाब में अब बीएसएफ के अधिकारी पंजाब बॉर्डर के 50 किलोमीटर के भीतर कार्रवाई कर पाएंगे। तीनों ही राज्यों में बीएसएफ के अधिकारी पुलिस की तरह ही तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार पा चुके हैं। गृह मंत्रालय के इस फैसले का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। इन तीनों राज्यों में से सिर्फ असम ऐसा है जहां बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए वहां पर उस लेवल का प्रदर्शन नहीं हो रहा, लेकिन बाकी दोनों राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है और अब ये लोग केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार बीएसएफ के पास इस दायरे में पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, सीआरपीसी आदि के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। बीएसएफ के सबसे निचले रैंक का अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकता है। यानी बीएसएफ के अधिकारी को अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल है या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है या सूत्रों से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ राज्यों में इसके उलट फैसला लिया गया है। गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा कम कर दिया गया है। गुजरात में पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर का था, जिसे अब घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के 5 राज्य मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया है। अब बीएसएफ के अधिकार का दायरा 20 किलोमीटर कर दिया गया है, जो पहले 80 किलोमीटर हुआ करता था। बीएसएफ के पास भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इन सुरक्षा बलों के पास छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मौजूद माओवाद को खत्म करने का भी जिम्मा है। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीएसएफ की ताकत बढ़ाई गई है, इनमें 5 पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय शामिल हैं इनमें। इन सभी राज्यों में भाजपा सीधे या फिर परोक्ष रूप से सरकार का हिस्सा है। असम, त्रिपुरा और मणिपुर में जहां सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार है, वहीं मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में सरकार का हिस्सा है। इन सभी क्षेत्रों में माओवादी ताकतों के सक्रिय होने की वजह से सुरक्षा बलों की अहमियत और बढ़ जाती है, इसीलिए इन राज्यों में बीएसएफ को लेकर ज्यादा विरोध नहीं हो रहा। अब गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर बीएसएफ के अधिकार का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख से राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद पूरी तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण है, तो इन राज्यों में बीएसएफ को लेकर विरोध होने की संभावना बेहद कम है। इसी तरह राजस्थान में भले ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीएसएफ को लेकर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ के अधिकार का जो क्षेत्र था वो पहले की तरह 50 किलोमीटर ही बरकरार रखा गया है। केंद्र के इन नए नियमों का विरोध मुख्य तौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दोनों ही राज्यों में भाजपा के विरोधी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। दरअसल देश के संघीय ढांचे के मुताबिक कानून और व्यवस्था राज्य का मुद्दा है और राज्य ही इस पर कानून बना सकते हैं। इसी बिना पर ये दोनों राज्य सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इस फैसले को सरकार का एक तरफा फैसला करार दिया। गुरुवार को रणदीप सुरजेवाला ने इशारों इशारों में कहा कि सरकार का ये कदम गुजरात के बंदरगाहों से हेरोइन की मूवमेंट से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के अंदाज में ही मंत्रालय के फैसले पर तंज भी कसा। उन्होंने अमित शाह की क्रोनोलॉजी को समझाते हुए एक ट्वीट किया। द क्रोनोलॉजी, 9 जून 2021 को गुजरात के अदानी पोर्ट के रास्ते 25,000 किलो हेरोइन आई। 13 सितंबर को गुजरात के अदानी पोर्ट पर 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पंजाब में बीएसएफ का न्याय क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। संघवाद मृत है, साजिश साफ है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान होना तय है।
पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का पंजाब सरकार ने पूरी तरह से विरोध किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकार के इस फैसले को एक तरफा फैसला करार दिया और इसकी निंदा की। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत रोल बैक करने की मांग भी की। हालांकि कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर अंतर कलह भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने चन्नी पर आधे पंजाब का हैंडओवर करने का आरोप भी लगा दिया। क्या चरणजीत चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को सौंप दिया? 25,000 वर्ग किलोमीटर को अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। पंजाब पुलिस स्तब्ध है। क्या हम अब भी राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते हैं? आइए अब आपको बताते हैं कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ा देने का असर क्या होगा। पंजाब में बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का केंद्र सरकार का फैसला राज्य के 12 जिलों को प्रभावित करेगा। इसमें से 6 जिले पूर्ण रूप से और 6 आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। 6 जिलों में 553 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते पंजाब के 6 जिले अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका बीएसएफ के अधीन हो जाएंगे। पंजाब पुलिस और बीएसएफ में अपने अधिकारों को लेकर विवाद हो सकता है। आंशिक रूप से प्रभावित होने वाले जिले होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर हैं। राज्य के कुल 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से एक अनुमान के मुताबिक 27,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बीएसएफ के दायरे में आ जाएगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और टीएमसी नेता फरिहाद हकीम ने भी बीएसएफ के कार्यक्षेत्र का अधिकार बढ़ाए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कानून और व्यवस्था राज्य का मुद्दा है और केंद्र सरकार इन एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार को इस तरह का आदेश देने का अधिकार है? तो आपको बता दें कि बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 139 के तहत केंद्र सरकार को बीएसएफ के अधिकारों में बदलाव करने का अधिकार है। हालांकि ऐसा कोई भी आदेश संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाना चाहिए। संसद ये तय करेगी कि इस आदेश का पालन होगा या फिर इसे रद्द किया जाए। आपको याद दिला दें कि साल 2011 में यूपीए सरकार ने बीएसएफ के अधिकारों में बदलाव कर उन्हें सीमा से इतर भी सर्च, सीज और अरेस्ट का अधिकार देने की कोशिश की थी। इसका संसद में विपक्ष से लेकर राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध किया था और आखिरकार सरकार को विधानसभा से ये बिल वापस लेना पड़ा था। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।